अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि SSC, रेलवे, CTET, UPTET और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया। सो गाइज, लूसेंट जीके जीएस की सीरीज हमारी कंटिन्यू जारी है। आज इसका थर्ड पार्ट है जहां पर हम आज 100 क्वेश्चंस डिस्कस करके चलेंगे। यहां पर 1000 क्वेश्चंस लूसेंट जीके जीएस के हिंदी में कराने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है ये। 10 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगी, ठीक है। और सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पुलिस एग्जाम है, RPF एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से अपने हिस्से का एक लाइक दे दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और आप न्यू हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट है हमारे पास 201 नंबर, 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। शुक्र है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? वो है बुध। क्लियर। आगे है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर, ठीक है। मनुष्य की आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो नेत्रदान में जो नेत्र का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉर्निया, है ना। आगे है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो वो होता है विकिरण के द्वारा, ऊष्मा का जो संचरण होता है। नेक्स्ट है कि DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वो लगाया था वॉटसन और क्रिक ने, द्विगुणित कुंडली का पता वॉटसन और क्रिक ने। फिर आता है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक यूनिट जो है तो वो होती है डेसिबल। आगे है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपिकल्चर। मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है एपिकल्चर। फिर है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट के जो फर्स्ट पेज खुलकर आता है, है ना, अब जब आप वेब एड्रेस डालते हैं उसमें www. करके, तो वो होम पेज खुलकर आता है। गाड़ियों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो होता है उत्तल दर्पण, जो कि पीछे की चीजें देखने के लिए, साइड मिरर होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा, तो वो पीछे की चीजें देखने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो उसे बोलते हैं शुक्र, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। फिर है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस का समावेश आपको सूर्य में सबसे ज्यादा मिलेगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देता है, इसलिए इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही से संध्या का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा आदि नामों से भी जाना जाता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो वो है 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वो है हैली पुच्छल तारा। हैली पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 500 सेकंड का समय। ठीक है, 500 सेकंड का समय लग जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो वो किया था 17 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह होता है हार्डवेयर, उसको बोला जाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो होती है रेडान, उसको बोला जाता है रेडान। नेक्स्ट है कि मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो होता है थोरियम। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। फिर है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है थायराइड। थायराइड जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्लियर।
नेक्स्ट है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो वो है व्हेल मछली, जो कि सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी है। फिर कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो वो की थी लैंड स्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, लैंड स्टेनर के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो वो है बॉक्साइड, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। क्लियर। आगे है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो वो होता है स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह। क्लियर। नेक्स्ट है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो है डायनामो, डायनामो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो वो होती है रैम, उसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और जो रीड करने का काम करती है ROM, रोम, उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, है ना। आगे है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो वो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप जो आया है वो किस तीव्रता से आया है, किस पैमाने पर आया है, तो उसको बोलते हैं हम रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा भूपटल पर पाए जाने वाली एकमात्र धातु है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं, तो शुक्र, अभी मैंने हाल ही में इसकी बात की कि किस ग्रह को सांध्य तारा, भोर तारा या सुबह का तारा कहा जाता है, तो वो जाता है शुक्र। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। फिर है कि पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो वो मिलता है, लगता है 4 मिनट, एक डिग्री देशांतर घूमने में, है ना। फिर आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना जाता है, जिप्सम, जिप्सम का यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं मछलियां। फिर है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने के जो प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फिर है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्लियर। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनाए गए, ठीक है, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। फिर है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था, उसका नाम था नादिरशाह, नादिरशाह, नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो यहाँ सभी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं कह सकते यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो 71% पर पानी मिलता है, धरती पर के तल पर 71% पर आपको पानी देखने को मिलेगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश को से लगती है, तो वह है बांग्लादेश, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, बांग्लादेश के साथ। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। नेक्स्ट है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो है कोशी नदी, किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, तो वो है कोशी नदी, क्योंकि इसमें आए जो समय होता है बरसात का समय होता है और ये नदी सबसे ज्यादा अपना रास्ते में परिवर्तन करती है, ठीक है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, काफी इससे जनधन की हानि होती है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो वो होता है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलेगी। और भूपटल पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, अभी हमने डिस्कस की, तो वो है
एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो वो है उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान का निर्माण किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो पाकिस्तान नहीं होगा, ये भारत होगा। ठीक है, पाकिस्तान नहीं, भारत। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है कि 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती है, तो होती है 1024 बाइट, 1024 बाइट। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, वो था बटुकेश्वर दत्त, जिसने बम फेंका था, भगत सिंह के साथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में की थी मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की डिमांड। कॉमन व्हील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट को ही जाता है इसका श्रेय कॉमन व्हील पत्रिका को प्रकाशित करने की। और नेक्स्ट है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है अमर्त्य सेन। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, तो वह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, जहां पर लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। क्लियर, ध्यान रखेंगे। शहीद आजम का नाम से कौन जाने जाते हैं, भगत सिंह को शहीद आजम नाम दिया जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप ही भारत का विभाजन हुआ। फिर आता है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने ही की थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने अंधाधुंध फायर की थी और काफ़ी सारे लोगों को उसमें मारा गया था। ठीक है, मार दिया था, तो उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया, 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट टोटल। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जी वी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष की अभी मैंने बात की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे याद किया जाए, तो आंध्र का मतलब अंधे लोग क्या खाएंगे, कच्ची पूड़ी खाएंगे अंधे लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं पाया ये कच्ची है या पकी हुई है। ठीक है, तो कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्य रूप से संबंधित मानी जाती है केरल से। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो वो है केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चौथा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कथकली केरल से दो हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथकली। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन देखने को मिलता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1885 में बंबई में की गई थी।
आगे हैं गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की ही जिम्मेवारी है आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो होता रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। जितने भी सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल हैं उनके अंदर जो कक्षा 8 तक के बच्चे होते हैं उनको दोपहर के खाने की व्यवस्था की जाती है, तो ये मिड डे मील योजना के तहत किया जाता है। आगे है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखित है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और जबकि जो लोदी वंश था उसका अंत हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, जहां पर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो वह है 42वां जो संविधान संशोधन है ना, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो होती है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। फिर है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो वो था हनीमैन। होम्योपैथी को जिसने ईजाद किया वो है हनीमैन। फिर है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वो है एथिलीन, फलों को पकाने के लिए एथिलीन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो वो है चैत्र। ठीक है, चैत्र जो कि मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना। आगे चलते हैं हरिप्रसाद चौरसिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वह बांसुरी से संबंधित है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु होना जरूरी है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक का है यक्षगान। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में है डोरड, और भारत और बांग्लादेश के बीच में है शून्य रेखा। प्याज में खाद भाग कौन सा होता है? तो तना खाया खाने लायक भाग होता है जिसे खाया जाता है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 हजार हर्ट्ज तक सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। फिर है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वह है बिहार। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वह है नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। और नेक्स्ट है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, और फिर आता है लास्ट कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर? तो गाइज यहाँ पर आज हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन डिस्कस करके चल रहे हैं। 1000 क्वेश्चन ड्यूसेंट जीके जीएस कराना मेरा टारगेट है, तो 10 पार्ट पे इसको हम कंप्लीट करा लेंगे 10 दिन में। तो ये अपने आप में पूरी तरह से बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो हो सकती हैं अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि 20-22 मिनट के टाइम में आपको कंप्लीट यहाँ पर ये प्रिपेयर हो जानी है। ठीक है, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप SSC CGL CHSL CPO MTS SSC GD रेलवे RPF ALP ग्रुप डी, ठीक है, NTPC UPSC UPPCS वीडियो या कोई और अन्य एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाने हैं। क्लियर? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने हिस्से का लाइक ज़रूर दें, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आपने हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले, और सबसे
पहले मिले। अभी तक के लिए इतना ही।